को मैं प्यार करता हूं। मैं जिंदगी के जिस सोपान पर आज खड़ा हूं, जिंदगी में जिस पायदान पर आज मैं खड़ा हूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां खड़ा हूं आकर के। क्यों? क्योंकि ना तो मेरे पास में कोई गुरु की गद्दी थी, ना मेरे पास में कोई बहुत बड़ी पैतृक संपत्ति थी, और ना मुझे किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने प्रमोट किया, और ना ही कोई बहुत बड़े उद्योगपतियों का हाथ और साथ था। कुछ भी तो नहीं था, बस एक संकल्प था, एक विचार था, मुझे कुछ करना है, मुझे ऋषि संस्कृति को प्रतिष्ठापित करना। वो कैसे होगा, वो क्या होगा, क्या स्वरूप होगा, कुछ नहीं पता था। आज मुझसे बहुत लोग पूछते, बाबा आज तो करोड़ों लोग आपसे प्यार करते हैं, आपको कैसे लगता है? मैं कहता हूं, भाई तुमको ये यश, तुमको ये प्रसिद्धि शायद प्रसन्नता देने वाली दिखती होगी, मुझे तो इन करोड़ों लोगों की आशाएं, इनके विश्वास दिखते हैं, और हर पल एक एहसास के साथ जीता हूं कि इन करोड़ों लोगों की जो मुझसे अपेक्षाएं हैं, मैं उन अपेक्षाओं पर खरा उतरूं और एक भी व्यक्ति के दिल को मैं ठेस ना पहुंचाऊं। करोड़ों भारतीय जो मुझसे चाहते हैं, मैं उसको पूरी ताकत से पूरा करूं। ये लोकप्रियता, ये शिखर आरोहण मुझे एक बहुत बड़े कर्तव्य बोध से जोड़ता है। आज इस देश ने जाति मजहब प्रांतों की सीमाओं को लांघ करके मुझसे प्यार किया है। मैं बिहार में जाता हूं तो बिहार के लोग कहते हैं बाबा हमारा है, मैं बंगाल में जाते हैं तो बंगाल के लोग कहते हैं बाबा हमारा है, जब मैं गुजरात में जाता हूं, हिमाचल में जाता हूं, तमिलनाडु में जाता हूं, आंध्र प्रदेश में जाता हूं, उड़ीसा में जाता हूं, आंध्र प्रदेश में जाता हूं, पूरे हिंदुस्तान में मैं जहां जहां गया हूं, सब लोगों ने कहा बाबा हमारा है। मैंने कहा ये देश हमारा है, ये देशवासी मेरे अपने स्वजन है। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि मैं आज यहां खड़ा हूं एक संकल्प के साथ, एक दर्द के साथ, एक पीड़ा के साथ, एक उद्देश्य के साथ, एक बहुत बड़े कर्तव्य, एक बहुत बड़ी जवाबदेही के साथ। लेकिन मैं अब अकेला इस काम को नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे हाथ चाहिए। आपके हाथ मेरे साथ है, मैंने माना। मैं जो बोलता हूं आप मेरी आवाज बनकर के गूंजते हैं, जो मैं करना चाहता हूं आपके हाथ मेरे साथ आज लगे हुए इस काम में, आपके कदम मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इतने से संतुष्ट नहीं हूं। आप थोड़ा दूर है ना मुझसे, बिहार में रह रहे हैं, कोई बंगाल में रह रहे हैं, कोई मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कोई गुजरात में रह रह करके सेवा कर रहे हैं। मुझे 600 लोग तो वो चाहिए जो मेरी छाया बनकर के मेरे साथ रहे, यह मुख्यालय में रहे, और उनको मैं जहां जहां भेजो वहां वहां जाए, मेरी आंख बन करके, मेरे कान बन करके, मेरी नाक बन करके, मेरे रूप बन करके, प्रतिरूप बन करके, ऐसे 600 युवकों, 600 युवतियां, उनके लिए अलग अलग यहां व्यवस्थाएं कर रहे हैं, भाइयों के लिए अलग, बहनों के लिए अलग। पूरी पतंजलि योग समिति की संरचना ही वैसी है, केंद्रीय प्रभारियों से लेकर के नीचे हमारी महिला प्रभारियों तक, हमारे भारत स्वाभिमान के समस्त कार्यकर्ताओं तक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी शक्ति ऊर्जा इसमें लगाई हुई है। लेकिन मैंने कहा इसमें मुझे 18 से 40 वर्ष के कुछ युवकों की आवश्यकता है, ऐसे करीब 600 भाई बहन मुझको चाहिए, नौजवान चाहिए, जिनके घरों में एक ही अरमान है कि बस ये जीवन अब मातृभूमि के लिए, यह जीवन देश के लिए है। बहुत जीवन जी लिए अपने लिए, न जाने कितने जीवन अपने अपने सुखों, ऐशो आराम के लिए जिए होंगे, अब तो ये जीवन देश के लिए, वतन के लिए। जो ऐसा सोचते हैं, जिनके दिलों में एक ही अरमान है, दिल दिया है जहां भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐसा संकल्प जिनके दिलों में, ऐसे 600 युवक युवतियों की मुझे आवश्यकता है यहां मुख्यालय में। उनके लिए 2010 में हम यहां सब संपूर्ण व्यवस्थाएं, आवास से लेकर के उनके अध्ययन से लेकर उनकी साधना से लेकर के उनके प्रशिक्षण से लेकर के, और उनके द्वारा एक नई राष्ट्र के निर्माण की संकल्पना, और कुछ युवक और युवतियां जो जिले में काम करें, 3 से 5 वर्ष का समय अपना जो इस काम के लिए देना चाहते हैं कि बाबा 3 से 5 वर्ष आपको दे देते हैं, बाकी अपने घर परिवार
को हम खड़ा कर लेंगे, अपना करियर बना लेंगे, हम कमा लेंगे अपने लिए। जो तीन, कम से कम 3 से 5 वर्ष जो इस भारत स्वाभिमान के, इस योग के अभियान के लिए देना चाहते हैं, योग का अभियान अंतिम व्यक्ति तक योग की शिक्षा लेकर के देना, और भारत स्वाभिमान देश के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना। कोई भी देश में एक भी व्यक्ति बीमारी और भूख से ना मरे, दरिद्र ना रहे, गरीब ना रहे, अशिक्षित ना रहे, एक बहुत बड़ा मकसद है। और इस काम के लिए मैंने कहा एक जिले से मात्र 10 व्यक्ति चाहिए मुझको, 115 करोड़ लोगों में से मुझे क्या एक जिले से 10 व्यक्ति नहीं मिलेंगे? जब मैंने अपना जीवन लगाया है तो मैं सोचता हूं मेरी तरह से सोचने वाले, मेरी तरह से जीने वाले, मेरी तरह से कुछ चुप पागल लोग हैं। हमारे इन क्रांति वीरों से कोई पूछते थे ना, क्यों पागल हो रहे हैं? कहां अंग्रेजों की सरकार से लड़ रहे हो जिनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता? आज मुझसे भी कहते हैं बहुत लोग, बाबा माना कि तू बहुत ताकतवर है क्योंकि करोड़ों लोग तेरी ताकत बन चुके हैं, माना कि तेरे पास धन शक्ति तो बात है, लेकिन जिनके पास धन शक्ति, कानून शक्ति, सरकारों के पास तो कितनी संवैधानिक शक्तियां हैं उनके पास, उनसे कैसे लड़ लेगा? अरे सारे अपने आप ही शरण में आने वाले हैं। बेईमान बेईमान छट जाएंगे, अच्छे अच्छे देखना सारे हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। डरो मत, जो डरा वो मरा। अरे डरना नहीं, कुछ करना है। मरेंगे अब पापी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, अब तो देश का भाग्य का उदय होना है। मैंने कहा हमारे क्रांति वीरों से जब कोई कहता था तुम अंग्रेजों से लड़ रहे हो क्या अपने मकसद में कामयाब हो पाओगे? मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं बाबा भ्रष्टाचार तो रग रग में समा गया है, क्या ये मिटेगा? अरे मैंने कहा पाप का जब अंत होता है तब वो विकराल रूप धारण करता है, और वह उसका विकराल रूप ही उसका कार्य बन करके आता है। जब घनघोर अंधेरा छा जाता है तभी सवेरा आता है, जब पतझड़ के बाद ही तो वसंत आता है, अरे मृत्यु के बाद ही तो नवजन्म होता है। इन बिगड़े दिमागों में, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे। बहुत से लोग मुझको भी पागल बोलते, बाबा कहां पगला गया? हम पगला गए क्योंकि हमारे सभी क्रांतिवीर पागल ही थे। इन क्रांतिवीरों ने जीवन भर क्या किया? पाप और अन्याय धर्म का, शोषण का विरोध किया, अन्याय का विरोध किया। भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या किया? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे। इस युग में, इस समय जो हमारा जन्म हुआ इसी उद्देश्य के लिए हुआ, तो ऐसा मान है। मैंने कहा ऐसे 10 युवक, 10 ऐसे भाई बहन, ऐसे जवान 18 से 20 साल, 40 साल के बीच के, जो अपना कम से कम 3 से 5 वर्ष का या पूरा जीवन इस मिशन के लिए देना चाहते हैं, उनके लिए 1 से 6